जो विषाक्त ब्लड है वो भी जो है हमारे सभी कोशिकाओं में, जब हमारे रक्त विषाक्त होता है तो हमारा जो है एक एक कोशा उससे जिस जो पोषित होता है, हमारा नाड़ी संस्थान भी ब्लड से ही पोषित होता है तो वो भी विषाक्त होता है, और धीरे धीरे नर्व एनर्वेशन जिसे कहिए या नाड़ी दौर्बल्य और हमारी वाइटालिटी क्षीण होती जाती है। तो अब क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी वाइटालिटी है वो सशक्त हो और उसके भीतर जो है रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स करने हैं, उन्हीं की चर्चा मैं करूंगी। द 5 स्टेप्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो इसमें नंबर 1 स्टेप है हमारा ड्राई फ्रिक्शन। पहले भी हम ये प्रयोग बता चुके हैं लेकिन कुछ नए साधकों के लिए मैं फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर रही हूँ कि ड्राई फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। घर्षण करने के बाद जो है ठंडे ताजे पानी से नहाना, इसकी विधि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप बाथरूम में जाएंगे तो आप अपने वस्त्र उतार के अपने हाथों से बड़ी तेजी से जो है अपना पूरे बदन का घर्षण करेंगे। इस भर्ष जो शरीर का जो फ्रिक्शन करना है ड्राई फ्रिक्शन, उसको आप जो है शुरू कहाँ से करेंगे, हेड से। सबसे पहले आप सर पे जो है बड़ी तेजी से आप अपना घर्षण करेंगे, रब करेंगे। उसके बाद आप फेस पर जो है, उसके बाद गर्दन पर आएंगे, उसके बाद चेस्ट, चेस्ट के बाद पेट पर, और उसके बाद जो है हाथों की बारी आएगी। हाथों में आप कलाइयों से जो है लेके सीधा कंधे की ओर जाएंगे, धीरे धीरे तेजी से घर्षण करते हुए, और फिर उसके बाद पैरों के तलवे, पैरों पे, टांगों पे और जांघों तक। इस तरह से बड़ी तेजी से पूरे शरीर की आप जो है घर्षण करते हैं, तो एक जो है आपके भीतर से एक विद्युतीकरण होता है और एनर्जाइज होती है बॉडी। और ये आपकी जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपका जो है ये जो मेटाबॉलिज्म पेपअप होता है, तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपकी वाइटालिटी बढ़ती है। ये था हमारा नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप है आपको डेली जो है अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए 0.2 ग्राम्स ऑफ विटामिन सी का सेवन करना है। 0.2 ग्राम से जो विटामिन सी हमें किन किन पदार्थों से मिल सकता है, यदि आप एक बड़ा अमरूद ले लें उसको खा लें, यदि 2 संतरे उसका सेवन करें, और अगर 3 आम भी आप खाते हैं और 4 टमाटर यदि, तो इन सभी फलों सब्जियों में और जितनी मैं क्वांटिटी बता रही हूँ तो उसमें पर्याप्त क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी विच इज 0.2 ग्राम आपको मिल जाती है। यदि आप एक कटोरी मटर भी खाते हैं तो भी वो मात्रा आपको मिल जाती है, और नहीं तो 3-4 प्रकार के फल जो है लगभग 500 से 700 800 ग्राम अगर आप डेली खाते हैं तो आपको ये विटामिन सी, और विटामिन सी ही नहीं बल्कि अन्य भी मिनरल्स और विटामिन जो है आपको मिल जाते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड जो है स्टेप। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप है हमारा अवॉइड एनिमल फूड्स, यानी कि पशु जन्य जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, चाहे वो मांस हो, अंडा हो, चिकन, मटन, या यहाँ तक के डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये भी एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करनी है तो आपको जो है अपने जो है भोजन में से एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो डेयरी प्रोडक्ट्स विच आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और इसमें जो है मैं सबसे कहूंगी आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 1 हफ्ता जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप छोड़ के देखिए तो आपको अपने भीतर क्या अनुभव होता है आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये था हमारा 3rd स्टेप। द 4th स्टेप, चौथा स्टेप क्या लेना है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वो है सनलाइट। जी हाँ, सन गेजिंग कर सकते हैं आप मॉर्निंग में या दिन में कभी भी जो है। वैसे बेस्ट टाइम जो सनलाइट या सन के जो एनर्जी का सेवन करने का होता है वो होता है उगते सूरज के 1 घंटे बाद, और ढलता जब सूर्य ढलना हो तो उससे 1 घंटा पहले आप जो है सन बाथ लीजिए, और डेली डोज ऑफ सनशाइन ऑफ 30 मिनट्स विल गेट रिड ऑफ 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। कैन यू बिलीव दैट? क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा है और शक्ति है
वही इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो आप सुबह उठ के सूर्य की तरफ उगते हुए सूर्य को देखेंगे तो वो सन गेजिंग 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, और नहीं तो आप दिन में कभी भी आप अपने खिड़की दरवाजे जो है कमरों के खोल के, और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कार का भी जो शीशा नीचे उतारेंगे करेंगे तो भी आपके भीतर जो है कार में आपको सूर्य की रोशनी मिलेगी। तो थोड़ा सा हमें जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल बन गया है कि एसी रूम्स में रहना, एसी गाड़ियों में सफर करना, तो हमें सूर्य की रोशनी मिल ही नहीं पाती। और विटामिन डी की, इसीलिए आजकल हर दूसरे व्यक्ति को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो इतना प्राकृतिक और इतना सस्ता और फ्री हमारा जो है ये एनर्जी का सोर्स है, तो अगर हम इसका डेली उपयोग करें, डेली डोज ऑफ सनशाइन ले, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी हमारी बूस्ट अप होगी और हमारे भीतर रोग आएंगे नहीं। तो ये था हमारा चौथा स्टेप। अब पांचवें स्टेप की बात करते हैं, लपेट की, यानी कि साधारण लपेट जो है आपके आपको बचाएगी कोरोना की चपेट से। जी हाँ, साधारण लपेट बचाए कोरोना की चपेट। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे भीतर जो है टॉक्सिक मैटर जो है वो रोग का कारण है। तो हमारे भीतर से जब जब ये विकार निकलेगा तभी हमारी जो है रोगों से हमें मुक्ति मिलेगी। सिम्टोमेटिक रिलीफ तो हमें मेडिसिन खा के मिल जाता है, लेकिन उसका रोग का रूट जो है, जो विकार है, वो अंदर ही सप्रेस रह जाते हैं और फिर आगे चलकर वो एक्यूट इलनेस, क्रोनिक इलनेस को जन्म देती है। तो हमें ये लपेट, टाइम एंड अगेन मैं बता चुकी हूँ लपेट होती क्या है। लपेट एक दो पट्टियां जिसे कह सकते हैं हम बैंडेजेस, जिसमें एक कॉटन की बैंडेज होती है जैसे आप देख सकते हैं, और एक वुलन बैंडेज होती है। तो इसको बांधने का तरीका है कि आप पहले जो कॉटन कॉटन की लपेट जो है उसको आप सादे पानी में भिगोएं, उसको निचोड़ें, और नंगे बदन जो है आपकी त्वचा पर ये गीली लपेट टच करनी चाहिए, और उस गीली लपेट के ऊपर आप जो है वुलन लपेट बांधेंगे। याद रखिए ये लपेट जो है बहुत ही चमत्कारी है, और ये लपेट विभिन्न अंगों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ये समय कोरोना काल है, इस समय बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है, श्वसन तंत्र में हमारे जो है बहुत दिक्कत आती है इस समय वायरस, क्योंकि हमारे गले से लेके नीचे लंग्स तक को अफेक्ट करता है। तो जब ये कोरोना जो है फेटल क्यों हो जाता है, क्योंकि जो विकार है हमारे फेफड़ों के अंदर एक गोंद या एक स्टिकी मैटर की तरह जब हमारे ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई में चिपक जाती हैं और वहां पर हमारे छिद्रों, रोमों को बंद कर देते हैं, तो हमारे भीतर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और जब फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है तो फिर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और इससे हमारा जो है जो पूरा सिस्टम है वो ठप हो जाता है, क्योंकि एक एक कोशिका जो हमारे 50 to 100 trillions ऑफ सेल है वो जीवित तभी रह सकते हैं जब उन्हें ऑक्सीजन नामक उनका न्यूट्रिएंट मिले, और यदि वो नहीं पर्याप्त मात्रा में मिलता तो धीरे धीरे हमारा जो है रोग क्रॉनिक हो जाता है। अब ये जो लपेट है ये काम कैसे करती है, ये आपका जो फेफड़ों में स्टिकी मैटर चिपका हुआ है, मल जो चाहे म्यूकस, बलगम, श्लेष्मा किसी भी नाम से कहें, जो कि बिल्कुल भीतर चिपक गया है, तो उसको जो है पिघलाने में ये जो लपेट है ब्रोंको डायलेटर का काम करेगी, और ये आपके जो कफ, बलगम, म्यूकस जो चिपका हुआ है उसको ढीला करेगी, और फिर वो जो है आपका बलगम निष्कासक अंगों द्वारा और आपका निकल जाएगा। लपेट बांधने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपकी त्वचा पर ये गीली लपेट जब हम बांधते हैं तो पहले 10 मिनट में आपको एक ठंडक का अनुभव होता है, और ठंडक के अनुभव से आपकी जो सतह पर ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ती हैं। जब वो ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं तो ब्लड जो है भीतर की ओर जाता है, और जो मल निष्कासक अंगों में विकार जो है लेके वहां से उत्सर्जन के लिए चला जाता है। ऑल्सो जब अगले 5-10 मिनट में समकालीन प्रभाव होता है इस लपेट का, तो ना ठंड लगती है ना गर्मी, और अगले पहले 20 मिनट के बाद फिर आता है उष्णकारी प्रभाव, क्योंकि हमने ऊपर गर्म उस
गीली पट्टी के ऊपर, वो जो गर्म पट्टी लपेटी हुई है, तो उससे वेट हीट हमारे को त्वचा को मिलती है और हमारा शरीर जो है फिर से, जो ब्लड वेसल्स है फिर से डायलेट होती है और ब्लड जो है दुगनी गति से विकार लेकर हमारे जो है सतह पर आता है और हमारे जो विकार है, आप कुछ दिन ये इस्तेमाल करेंगे पर लपेट तो आप देखेंगे ये मैली हो जाएगी और हमारे जो भीतर का जो कफ है वो पिघल कर जो है वो टॉक्सिक मैटर जो है सारा बाहर निकल जाएगा, वो सतह के द्वारा भी बाहर आता है और वो ब्लड के द्वारा निष्कासक अंगों में भी बड़ी तेजी से जाकर आपके शरीर से बाहर जाता है। तो कितनी साधारण लपेट, लेकिन इसका चमत्कारी लाभ है। कुछ लोगों को ये वहम होगा कि हमें अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है या रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, कफ, कोल्ड या किसी भी प्रकार का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग से कंजेशन है, तो उन्हें लगेगा कि यदि हम ये ठंडी लपेट बांधेंगे तो हमें और नुकसान होगा। जी ऐसा नहीं है बिल्कुल, हमें ये सादे पानी में भिगोना है, कोई बर्फ के पानी में नहीं भिगोना, नॉर्मल टैप वाटर में। और जब हमारा शरीर गर्म होता है उसके ऊपर ये ठंडी जो पट्टी जो है लपेटी जाती है, तो जो एक्शन रिएक्शन जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी एंड द लपेट, तो इस जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से जो एक विद्युतीकरण भीतर होता है और हमारे अणु और परमाणु गतिमान होते हैं, वो हमारे विकार को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस तरह से इन प्रयोगों के साथ मैंने कल आपसे कहा था कि एक नया प्रयोग मैं आपको बताऊंगी। तो जी हाँ, एक नया प्रयोग आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन का अर्थ है गरम ठंडा सेक। जी हाँ, हमारे भीतर कई किसी भी अंग में अगर कहीं दर्द है या विकार है, तो इसका अर्थ है कि वहां पर रुकावट है, कंजेशन है, वहां पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। तो ऐसे किसी भी अंग पर, जैसे जिनको कब्ज है और पेट में जो है मल सूख के कड़ा हो गया है और उनको बहुत ज्यादा इनडाइजेशन है, तो ऐसे सभी केसेस में हम ठंडा गरम सेक जो है पेट पर दे सकते हैं। ये ठंडा गरम सेक देने की विधि क्या है, अब इसे समझ लेते हैं। ठंडा गरम सेक यानी के आपको दो बर्तन, चाहे आप घर में पतीले ले लीजिए, कोई भी छोटी किसी भी तरह से दो बर्तनों में आप पानी रख लीजिए। एक में तो बॉइलिंग हॉट पानी होगा बर्तन में और एक में साधारण टैप वाटर होगा। तो ये दो बर्तन आपने ले लिए और इन दोनों बर्तनों में आप जो है, हमें इनके लिए दो टॉवल चाहिए होंगे। तो दो टॉवल जब लेंगे तो पहले क्या करना है, व्यक्ति को पीठ के बल लिटा दे, जिसे के हमें ठंडा गर्म सेक देना है। उसको लिटाने के बाद उसके कपड़े जो है पेट के ऊपर से हटा दे। अब सबसे पहले गर्म पानी जिस पतीले में है या जिस बर्तन में है उसमें आप टॉवल डालेंगे और टॉवल को देखिए आप साइडों से पकड़ेंगे, क्योंकि तो पानी गर्म है तो हाथ नहीं जले, तो आप ऐसे साइड से पकड़ के टॉवल को गर्म पानी में जो बॉइलिंग हॉट है उसमें डालेंगे और ऐसे निचोड़ लेंगे ताकि आपके हाथ नहीं जले। अब इसको थोड़ा सा हवा में ऐसे करके, ताकि बहुत तेज गर्म पेट पे ना लगे, 3 मिनट के लिए गर्म सेक देंगे और उसके बाद तुरंत जो है सादे पानी में जो एक टॉवल है उसको निचोड़ के गर्म टॉवल हटाएंगे और ये जो ठंडा टॉवल है वो रखेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया कि गर्म पानी में टॉवल डाला, निचोड़ा और उसको पेट पर रखा 3 मिनट के लिए, और उसको हटाने के बाद हम सादे पानी का जो टॉवल है उसको निचोड़ के पेट पे लगाएंगे। तो यानी कि ये क्रम चलेगा हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन या गर्म ठंडी सेक का। पहला 3 मिनट गरम सेक देनी है, फिर उसके बाद 1 मिनट के लिए आप सादे पानी से कर सकते हैं। यहां मैं एक और चीज बता दूं कि आप गरम सिकाई के लिए
हॉट वाटर बॉटल भी ले सकते हैं। हॉट वाटर बॉटल रख के आप पेट पे सिकाई कर सकते हैं, उसके बाद टॉवल से जो है आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं। तो 3 मिनट, फिर 1 मिनट, 3 मिनट गरम सेक, 1 मिनट ठंडा। तो इस तरह से ये क्रम हम चलाएंगे 3 बार, 3 मिनट, 1 मिनट, फिर से 3 मिनट, 1 मिनट, फिर से 3 मिनट, 1 मिनट, यानी के 3 बार ये क्रम चलेगा। और हर बार 3 मिनट आप हॉट सिकाई देंगे, गरम सिकाई देंगे, और 1 मिनट सादे टॉवल से। ये क्रम 3 मिनट चलाने के बाद जब हम चौथी बार करेंगे तो 3 मिनट गरम सिकाई और 3 मिनट ही ठंडा सेक, यानी के एंडिंग जो है इस प्रक्रिया की वो 3 मिनट ठंडे टॉवल को रखने से होगी। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, ये गरम ठंडा सेक जो हमारे भीतर किसी भी तरह का विकार है, बहुत तेज जो है हमारे भीतर मल कड़ा हो गया है, पाचन तंत्र में बहुत दिक्कत है, मल निष्कासित नहीं हो रहा है, और किसी भी प्रकार का इनडाइजेशन है, और तो उसमें भी आप जो है ये गर्म ठंडा सेक जो है सबसे पहले पेट पे देंगे तो वहां पर जो है मल उखड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको बहुत आराम मिलेगा। इसकी प्रक्रिया यही है कि 2 बर्तन में आपने पानी ले लेना है, एक में सादा पानी, एक में बॉइलिंग हॉट वाटर। सबसे पहले 3 मिनट के लिए आप वो गर्म पानी में भीगा हुआ टॉवल आप पेट पर रखेंगे, उसके बाद 1 मिनट सादे टॉवल को निचोड़ कर, ना सादे पानी में टॉवल को निचोड़ के वो लगाएंगे। ये क्रम हमें 3 बार दोहराना है, 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, और अंत में 3 मिनट गर्म सिकाई करेंगे और 3 मिनट ही ठंडी सिकाई करेंगे। और इससे जो है आपके भीतर के, अब ये क्रम जो है ठंडा गर्म सेक आप बहुत से बॉडी पार्ट्स में दे सकते हैं, जैसे जिनको घुटने में दर्द है, जिनको अगर कहीं पीठ कमर इत्यादि में दर्द है, तो कहीं भी दर्द है, कंजेशन है, तो आप ये गर्म ठंडे सेक से तुरंत लाभ पा सकते हैं। और इसकी भी क्रिया प्रतिक्रिया मैं बता दूं कि जब हम गर्म पानी का टॉवल पेट पर लगाते हैं तो गर्म पानी के प्रभाव से हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं और हमारा जो भीतर का जो विकार युक्त रक्त है वो जो है बाहर की ओर, सतह की ओर आता है। और जब हम सादा टॉवल लगाते हैं तो वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है, तो यानी कि ये ठंडा गर्म सेक हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एक पंप की तरह जो है एक्टिवेट करता है और अंदर एक जो है एक क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पेपअप हो जाता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेटाबॉलिज्म पेपअप होता है, वहां पे गति आ जाती है, तो हमारा जो मल है उस जगह का उखड़ता है और हमें धीरे धीरे जब वहां से कंजेशन हट जाता है तो वहां पर अच्छा रक्त न्यूट्रिएंट्स लेके उस भीतर वहां पे पहुंचता है। और जब अंगों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एक-एक कोशिका को उनकी खुराक निर्बाधित रूप से जो ब्लड फ्लो जाता है तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और उसके बाद जो है हमें वहां के ऑर्गेन का सशक्तिकरण होता है। जी हाँ, इसके बाद आप लपेट भी बांध सकते हैं, वो और भी फायदा करेगी कि ठंडा गर्म सेक देने के बाद आप जो है लपेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, ये सभी से अनुरोध करूंगी कि आप जो है ये जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो गले पे ठंडा गर्म सेक दे कर सकते हैं, घुटनों पे कर सकते हैं, कमर पे कर सकते हैं, पेट पे कर सकते हैं, ऐसे विभिन्न अंगों पे जहां पे भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये ठंडा गर्म सेक जो है बड़ी आसानी से, इसमें कोई ऐसी महंगी चीज नहीं है, सब चीजें हमारे घर में उपलब्ध है। तो इसे, इन्हें प्रयोगों को करें, इनसे लाभ उठाएं और अपनी जीवनी शक्ति को सशक्त करें, अपनी वाइटालिटी को बूस्ट करें, और आप जो है भीतर आपके जो रोग है वो टिक नहीं पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, निमोनिया में भी हॉट कोल्ड कर सकते हैं,
निमोनिया में मैं अभी नहीं, देखिए जब एक बात, फॉर गैस ट्रबल आल्सो कैन बी, बिल्कुल गैस ट्रबल में अवश्य करेंगे। और एक और बात बता दूं कि जैसे मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए, ये स्वस्थ लोग जो हैं वो तो कर ही सकते हैं, जो लोग रोगी हैं, जो इस समय जो है कोरोना से जूझ रहे हैं, तो वो अपनी क्षमता अनुसार, जैसे अगर सन बात करना है तो 10 मिनट उनके लिए बहुत है। जी नहीं, लपेट बांध कर आप प्राणायाम नहीं करेंगे, क्योंकि लपेट जब बांधी है तो वहां एक क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, शरीर में एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो और प्राणायाम करते समय भी हमारे भीतर में एक क्रिया संपादित होती है, तो दोनों क्रियाओं को अलग अलग करना है। लपेट बांधकर आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग तक तो कर सकते हैं, आप योग निद्रा कर सकते हैं, शवासन में लेट सकते हैं, लेकिन जहां श्वासों का आदान प्रदान है वो मैं कहूंगी कि लपेट बांध कर ना करें, प्राणायाम जो है उस समय पे लपेट ना बांधे। ईयर की हियरिंग इंक्रीज, फैटी लीवर पे आप ये लपेट बांधिए, फैटी लीवर पे आप गरम ठंडा सेक कीजिए, दोनों ही प्रक्रियाओं से आपको लाभ होगा। और फैटी लीवर का मतलब ये है कि आपका जो है लीवर पर फैट है, तो अपने भोजन को देखिए कहाँ पर आपसे भोजन में गलती हो रही है, तो अपने भोजन से जो फैट है उसको कम करें, प्राकृतिक भोजन करें। जी जी यदि कोई और प्रश्न है तो। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो लोग कोरोना या किसी, जैसे अभी निमोनिया का क्वेश्चन आया था, तो उनको घर्षण स्नान नहीं करना। देखिए उनकी, उनके भीतर जो है जीवनी शक्ति बहुत कम हो गई है, उनके भीतर कमजोरी बहुत है, तो ऐसी कमजोरी और वीकनेस की हालत में कोई भी प्रयोग न करे, क्योंकि प्रत्येक प्रयोग भी एग्जॉस्ट करता है। तो जिस वक्त आपकी ऊर्जा बिल्कुल कम है, आपकी हिम्मत नहीं है, तो उस समय कोई प्रयोग ना करें। जी हाँ, जी हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन, और जिस समय हम रोगों को शरीर से निकालने की प्रक्रिया में हैं, जैसे ये 5 स्टेप्स आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है, तो इस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मिल्क एंड मिल प्रोडक्ट्स को छोड़ के देखें, तो रिकवरी विल बी फास्टर। और मैं कल चर्चा करती हूँ आपको विस्तार से कि ये जो भोजन के नियम है, ये हम क्यों कहते हैं कि ये रिफाइंड नहीं खाना, दही नहीं खाना, तो इसकी विस्तार से चर्चा मैं अपने कल के लेक्चर में लेती हूँ, ताकि जरा भी जो आपको डाउट है वो आपके सारे क्लियर हो जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ आई थिंक अगर कोई प्रश्न नहीं है तो इस सेशन को हम, लगता है, यहीं समाप्त कर सकते हैं, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो। लगता है प्रश्नों तक। बिल्कुल, कर सकते हैं, करिए। जी, थैंक यू ऑल, हाँ बिल्कुल, टेक केयर, बिल्कुल।